जय जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के कांग्रेस भवन के ठीक सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर कल बीजेपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं एक तरफ कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल ठीक सामने भवन है, कांग्रेस भवन हिसार के बाहर हम मौजूद है, और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी की तरफ से बिल्कुल ठीक सामने कांग्रेस भवन के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे जान लेते हैं कि आज का क्या मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल कांग्रेस भवन के ठीक सामने रोड शो धरना प्रदर्शन करने का क्या मुख्य उद्देश्य है। फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पहले तो, किस लिए आज का कार्यक्रम किया जा रहा है फिलहाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये कार्यक्रम किस लिए किया गया, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। हरियाणा में उनकी कोशिश है कि अशांत हरियाणा हो, हरियाणा में दंगे भड़काने की उनकी कोशिश है, ऐसा ही बयान राहुल गांधी ने दिया, जो कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। इतने बड़े नेताओं को ऐसा गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने किसानों को और कुछ अलगाववादी तत्वों को ये कहा कि आप हरियाणा में जाके आंदोलन करो, पंजाब में मत करो, हरियाणा में जाए करो। ये बयान उचित नहीं है किसी भी प्रदेश की अशांति फैलाने के लिए। किसी प्रदेश में अशांति फैलाने का किसी को कोई हक नहीं है। आगे का क्या रणनीति रहेगी बीजेपी पार्टी की, मैं बात करूं बीजेपी पार्टी की तरफ से? देखिए हम लोग उनका विरोध करते रहेंगे, उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। इस तरह का बयान किसी भी सूरत में लोकतंत्र में शोभनीय नहीं है। उनको अपना बयान वो वापस लें, वो जब तक वापस नहीं लेंगे उनका विरोध हम करते रहेंगे। फिलहाल जैसा कि देख सकते हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस आपत्तिजनक विवाद की। मैं बात करूँ जो राहुल गांधी की तरफ से और पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया था, कांग्रेस के वो सीएम है, कांग्रेस के नेता है दिग्गज, मैं बात करता हूँ अभी। फिलहाल हिसार के विधायक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। इसका मुख्य बेस यही है कि जो कैप्टन अमरिंदर ने बयान दिया है तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हरियाणा में जाकर प्रदर्शन करो, हरियाणा में जाकर गुंडागर्दी करो। तो हम यहाँ के कांग्रेसियों से ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने ये ठीक दिया है या गलत दिया है? वो क्या वो यही हरियाणा के कांग्रेसी भी यही चाहते हैं कि यहाँ की आर्थिक नाकेबंदी हो, यहाँ का विकास जो है बाधित हो? इसी बात के लिए हमने एक सांकेतिक धरने का आयोजन किया है ताकि कांग्रेसियों की आंखें खुल सके। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जो विवादित बयान दिए गए कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, जो पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी गुंडागर्दी करनी है वो पंजाब में ना करके हरियाणा में की जाए, तो मेरा तो सिर्फ इतनी सी बात है कि एक हरियाणा के कांग्रेसी ये बताएं कि वो हरियाणा के साथ हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ हैं, अपना स्टैंड क्लियर कर दें भाई, इतनी बात। सर एक बात और देखने वाली बात है, किसान खफा क्यों? बीजेपी पार्टी से बात करें तो किसान एक तरफ दावा करते हैं कि 9 महीने से किसान खफा नहीं है। किसान खफा नहीं है, किसानों को हमने फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी दी। अगर किसान ये समझता है कि ये नियम गलत है तो उसके पास विकल्प है, वो बाहर ना बेचे, मंडियों में बेचे, मंडियों में तो व्यवस्था है ही। हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एक प्रोविज़न दिया, अगर उनको, वैसे तो वो गलत नहीं है लेकिन अगर कोई भाई ये सोचता है कि वो भी गलत है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करे। तो इसमें झगड़ा आंदोलन तो कहीं आता नहीं है। मैं आपको ये कहूँ कि भैया मैं आपको तैरना सिखाना चाहता हूँ, अब आपको किसी ने भड़का दिया और ये भड़का दिया कि तैरना सीखेगा तो डूब जाओगा। अब तैरना सीखना अच्छी बात है लेकिन फिर भी यदि आपको डर लगता है कि मैं तो डूब जाऊंगा तो आप तैरना ना सीखें। लेकिन अगर मैं किसी को तैरने की ऑप्शन दे रहा हूं तो इसमें आंदोलन किस बात का? बड़ी विज़न क्लियर है इसमें। तीनों कानून सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक के लिए रोक दिए, फिर किस बात का आंदोलन? हम गलत और ठीक की बात नहीं करते हैं। मान लो एक दफ़ा के लिए, एक सेकंड के लिए मान भी दिया जाए कि ये कानून को पसंद नहीं है तो वो इनको ना अपनाए, ना अपनाने का विकल्प उनके पास है। मैम भी एक बार मौजूद है, उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए कि उनका क्या कहना है। थोड़ा आगे देखते भाई, बिल्कुल। नमस्कार मैम, आप क्या मानते हैं जो सीएम साहब की, पंजाब के सीएम की बात की जाए और राहुल गांधी की बात की जाए, उनकी तरफ से विवादित बयान जारी किया गया है,
भैया देखो, पंजाब भी हमारे भारत का एक हिस्सा है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के लिए जो बयान दिया है वो गलत है, क्योंकि आज वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। और अगर आज हरियाणा का कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है, वो ये स्पष्ट करे कि वो हरियाणा के साथ है या पंजाब के साथ है। पंजाब भी की कांग्रेस के साथ है। आज जो अपने आप को ये किसान जो कांग्रेसी किसान कहते हैं और जो इतने लंबे समय से धरने पे बैठे हुए हैं, आज हमारा हरियाणा प्रदेश का व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है और व्यापारी भी अब मांग करने लग गए हैं कि कब तक हम उनको भी अपने बच्चे पालने हैं। व्यापारी के साथ साथ हरियाणा का जो मजदूर था वो भी पलायन को करने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि उद्योग धंधे ठप होने को हो गए हैं। तो जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उससे सभी वर्ग को नुकसान है। आज हम सिर्फ इसलिए धरने के ऊपर बैठे हैं कि पंजाब का जो मुख्यमंत्री कांग्रेसी है वो हमारे हरियाणा के खिलाफ बयान दे रहा है। नमस्कार सर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा, जो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने ये जो विवादित बयान दिया है बहुत ही निंदनीय है। इतने बड़े मुख्यमंत्री होते हुए ऐसे बयान देना उनको शोभा नहीं देता। और हरियाणा की जनता जागरूक है, उनके बयानों को अच्छी तरह समझती है। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा साथ, आगे भी आने वाले चुनाव में साथ रहेगी। और इस तरह वो भड़काने का काम ना करें, आपस में भाईचारे को ख़राब ना करें। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बात है, जितने भी लोग हैं मैं बात कर, किसान या आम जनता भी, वो एक बात दावा करती है कि जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है, बीजेपी एक दावा करती है अच्छे दिन आएंगे, पर लोग खफा है क्यों है ऐसा? नोटबंदी कर दी जाए, अगर मैं बात करूँ लॉकडाउन लगा दिया, इस प्रकार कई लोगों के धंधे ठप हो, जो लोग कहते हैं कि गलत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मानते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का हमेशा से विजन रहा है पारदर्शी शासन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम पारदर्शी शासन में विश्वास रखते हैं। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए, सबको पता है, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, बड़े बड़े घोटाले उनकी सरकारों में हुए। हमारी जो सरकार है उन सारी चीज़ों से अलग है। तो पारदर्शी शासन के थोड़ी सी कड़ाई करनी जरूरी है, तो कड़ाई करेंगे तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा अभी सख्ताई ज़्यादा हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ लोगों की फेवर में ही हो रहा है, लोगों की फेवर के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। अब हरियाणा में लगभग 534 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया, हर सेवा का टाइम बाउंड कर दिया, भाई इस काम को इतने दिन में करना है। नागरिक परेशान क्यों होंगे, जब आपका काम टाइम समयबद्ध कार्य का टाइम में होगा तो नागरिकों को तो खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हरियाणा के ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा की जनता जो है वो खुशहाल हो, उनके जो पब्लिक डीलिंग काम है समय पे हो, ये सब प्रयास कर रहे हैं हम, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक मैं बात करता हूँ, बीजेपी पार्टी के यहाँ पर लोग और नेता मौजूद थे। हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का भी यही कहना है कि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग आप मत कीजिए, जो आपका मन करता है आप कीजिए। बीजेपी पार्टी की तरफ से सत्ता में आने के बाद बढ़िया बढ़िया कार्य किए गए हैं। अब जनता जनार्दन से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जुटता है कि आपका क्या मानना है। फिलहाल देख सकते हैं हिसार के कांग्रेस भवन के बाहर, जहाँ पर एक तरफ बीजेपी पार्टी अपना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है अपनी, अगर मैं बात करूँ कुछ बातें, जो विवादित बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऐसा बीजेपी पार्टी का कहना है कि विवादित बयान दिया गया था उसके चलते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस देख सकते, कांग्रेस और किसान इकट्ठा होकर बीजेपी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। जनता जनार्दन से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को अंत तक जुड़ देखें और आपका क्या मानना है कमेंट करके जुड़ते हैं। और अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी, चैनल के साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।